हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने एक और न्यू ब्लॉग लेके। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरा बेटा प्रियांश का सेकंड बर्थडे है। तो आज प्रियांश हो चुका है पूरे 2 साल का और यहाँ पर हम लगे हैं उसका बर्थडे डेकोरेशन की तैयारी में और यहाँ पर सब फुला रहे हैं बैलून्स। उसके बाद देवर जी मैं यहाँ पर लगे हैं बैलून्स को रिंग में डेकोरेट करने की तैयारी में, और ससुर जी, सासू माँ और मेरी मम्मी, सिस्टर सब बैलून फुलाने में लगे हुए थे और मम्मी यहाँ पर हमको बैलून ला के दे रही थी। तो हम सब लगे थे आज बर्थडे की डेकोरेशन के काम में, सबके सब बिजी थे। डेकोरेशन करते करते हमारे यहाँ पर पूरा कमरा फैल गया था अच्छी तरह से। चारों तरफ कमरे में बैलून ही बैलून नज़र आ रहे थे जिसको हमने समेटना था, उसके बाद उसका टाई करना था, फिर उसको हमने डेकोरेट करना था। तो इसकी वजह से पूरा कमरा हमारा फैला हुआ था। और डेकोरेशन करते करते यहाँ पर देवर जी बन गए छोटे बच्चे, वो खेलने लग गए बैलून के साथ। और यहाँ पर सासू माँ काट रही है काजू और बादाम खीर में डालने के लिए और यहाँ पर मेरी मम्मी और सिस्टर बैठे हुए हैं आराम से। उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पर आ गई है मीना दी जो कि किचन में गई है। उसके बाद वो बना रही है यहाँ पे खीर और मैंने बनाए थे छोले, तो उसमें वो ऐड करी थी मसाले। और मेरे छोले यहाँ पर देखो कितने टेस्टी बने हुए हैं। और इसमें मीना दी डाल रही है छोले और दूसरे चूल्हे पर रखा उन्होंने दूध गर्म होने के लिए जिससे बनने वाली है खीर। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी चाची जी जो कि सबके लिए चाय बना के लाई हैं और वो सबको चाय दे रही है। और फाइनली हमारा डेकोरेशन हो चुका है पूरा और इसमें हस्बैंड जी दे रहे हैं फाइनल टच जो कि लगा रहे हैं इसमें स्टार वाली लाइट जो कि मेरी फेवरेट है। ये हमसे लगी नहीं तो इसको हस्बैंड जी अपने हिसाब से लगा रहे हैं। उसके बाद ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और ये रही हमारे डेकोरेशन का फाइनल लुक, उनमें हस्बैंड ने लगा ली यहाँ पर स्टार वाली लाइट अपने अकॉर्डिंग जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पर प्रियांश हस्बैंड जी को दे रहे हैं बैलून और यहाँ पर प्रियांश कितना खुश है बैलून्स को देखकर, उसको बहुत मस्ती हो रही है यहाँ पे। फाइनली यहाँ पर हमारा बर्थडे बॉय हो चुका है तैयार और सबके पैर छू रहा है यहाँ पे। और सब लोग हो चुके हैं तैयार, मेरी मम्मी, सासू माँ, हस्बैंड जी और मैं भी हो चुकी हूँ यहाँ पर तैयार। और मेरा बेटा प्रियांश यहाँ पर कर रहा है मस्ती। और यहाँ पर चाची और मामी लग चुके हैं अपने काम में जो कि चले गए हैं किचन में और वो लगा रहे हैं यहाँ पर नमकीन बिस्किट की प्लेट जिसमें लास्ट में वो लोग ऐड करेंगे केक। और यहाँ पर चाचा जी भी चले गए हैं किचन में उनकी हेल्प करने के लिए। और चाचा जी यहाँ पर बहुत मजाक करते हैं, वो भी किसी से मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर है मीना भाभी और उनकी बेटी जो कि ले रही है प्रियांश की फ़ोटोज़। और यहाँ हस्बैंड लगे हुए डेकोरेशन में क्योंकि कुछ बैलून्स निकल गए थे तो उनको अपने अकॉर्डिंग चिपका रहे थे। और यहाँ पर हमने चाचा ने ली फ़ोटो, उसके बाद यहाँ प्रियांश बैठा है भाभी की गोद में। उसके बाद हम सब गए यहाँ पे केक के पास क्योंकि हमारा केक आ चुका था तो हम लोग ले रहे थे केक के साथ फ़ोटो। और उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी गए अंदर लाइट जलाने के लिए क्योंकि लाइट नहीं जल रही थी। उसके बाद उन्होंने लाइट ऑन की और हम सब अपने पोज अपनी पोजीशन सोच रहे थे कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा, जिसमें हमको बहुत टाइम लग गया और स्टैंड थोड़ा सा हिल गया था तो उसको पैर से मैं सेट कर रही थी यहाँ पे क्योंकि ये क्या पता गिर सकता था इसलिए मुझे पैर से उसको सेट करना पड़ा था।
उसके बाद हम लोगों ने लिए यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़। प्रियांक बैठा अपनी दादी की गोद में और उसने अपने बर्थडे कैप का नीचे का इलास्टिक तोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतान है वो। और यहाँ पर मम्मी उसको पहनने को बोल रही थी। फाइनली बहुत देर बाद हम लोगों ने लिए एक फैमिली फ़ोटो, जिस फोटो में है मैं, मेरे हस्बैंड जी, सासू माँ, ससुर जी एंड लास्ट में खड़े हैं मेरे देवर जी। और यहाँ पर प्रियांश को बहुत जल्दी हो रही थी केक कट करने की, तो वो बिल्कुल गोद में नहीं रुक रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको गोद में पकड़ रखा था यहाँ पर, ताकि एक फ़ोटो तो अच्छी, मतलब फैमिली फ़ोटो होती ना एक यादगार वाली, कि वो फ़ोटो तो क्लिक करा सके। उसके बाद हम उस हस्बैंड जी और मैं लेते थे फ़ोटो, बट प्रियांश ने हमको फ़ोटो नहीं लेने दी और वो बीच में आ गया। उसने केक ऑलमोस्ट कट करने वाला था और यहाँ पर प्रियांश उतर गया सासू माँ की गोद से और उसने ऑलमोस्ट केक पे चाकू मार ही दिया था यहाँ पे। और ये है प्रियांश का बर्थडे केक जिससे मैंने बनाई है। प्रियांश की फेवरेट कार, उसको पसंद है डायनासोर, तो मैंने वही बनाया था इसमें। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली कट करने वाले थे केक और यहाँ पर हस्बैंड जी लगा रहे थे उसमें कैंडल और हैप्पी बर्थडे का टैग। उसके बाद मैं यहाँ पर गई थी माचिस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माचिस के पास थी नहीं, तो मैं गई थी मंदिर में माचिस लेने के लिए और फाइनली माचिस लेके आ गई। उसके बाद यहाँ हस्बैंड जी ने कैंडल जलाया माचिस से और यहाँ पर प्रियांश हो गया बहुत ज़्यादा खुश। वह अपने बर्थडे में अपने हाथ से क्लैप बजा रहा है और हैप्पी बर्थडे बोल रहा था। उसके बाद प्रियांश ने यहाँ पर कैंडल फूके अपने आप और उसने यहाँ पर सारे कैंडल फूके और वो कितना क्यूट लग रहा था कैंडल फूकते हुए और उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था यहाँ पर कैंडल फूकने में। उसके बाद उसने यहाँ पर केक कट किया। उसके बाद मैंने पकड़ा यहाँ पर प्रियांश का हाथ और उसे केक कट करवाया। और यहाँ पर प्रियांश की डैडी उसको कैप पहनाते हैं, बर्थडे कैप, जो कि प्रियांश नहीं पहनता है। उसके बाद यहाँ पर केक कट करते ही तुरंत प्रियांश चाकू अपने मुंह में ले लिया है क्योंकि उसे केक बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि प्रियांश कुछ भी कर सकता है केक खाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रियांश को केक खिलाया, उसके फिर उसकी डैडी ने उसको केक खिलाया और यहाँ पर दादी भी आ गई थी कैप के नीचे गिरी थी उसको उठाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर्स आए, उन्होंने केक खिलाया यहाँ पर। उसके बाद आए दादा और दादू जिन्होंने नेक्स्ट नंबर पे केक खिलाया। यहाँ पर दादू जी आ गए हैं प्रियांश को केक खिलाने के लिए और यहाँ पर थोड़े दादी भी खिलाएगी और ऐसे ही करके थोड़ा सारे फैमिली मेम्बर्स ने यहाँ पर केक खिलाया एक एक करके। और प्रियांश ने बहुत ही मज़े से यहाँ पर केक खाया जब तक उसका मन नहीं भरा अच्छी तरह से, कि प्रियांश को केक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो खुद से कट कर रहा था, खुद से केक खा रहा था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आए प्रियांश के चाचू जी की बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, उनको बड़े मुश्किल बुलाना पड़ता है यहाँ पर केक खिलवाने के लिए। और यहाँ फाइनली देवर जी आ गए थे यहाँ पर प्रियांश को केक खिलाने के लिए और यहाँ प्रियांश वेट कर रहा है कि कब मुझे केक खिलाएंगे। और पीछे खड़े हैं बच्चे, मीना दी के बच्चे हैं ये, और ये खड़े थे गिफ्ट लेके यहाँ पर प्रियांश के साथ। और प्रियांश यहाँ ये शैतानी करने में लगा हुआ है केक के साथ। उसके बाद आया मेरी बहन का नंबर, ये है प्रियांश की मौसी। उसके बाद यहाँ पर प्रियांश की नानी भी आएगी थोड़ी देर में, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है घुटनों की, तो उनको उठने में थोड़ा टाइम लग गया। फाइनली नानी जी भी आ गई यहाँ टेबल के पास और उन्होंने खिलाया प्रियांश को केक। तो मैं उनको बोल रही थी कि प्रियांश के लेफ्ट साइड में केक खिलाओ, बट उन्होंने कहा ओके ठीक है, यहाँ यहीं से खिला देती हूँ, केक तो खिलाना है। और यहाँ पर प्रियांश अपने हाथ से केक खाने लग गया, सुना कि अब शायद लोग लेट आएंगे, तो उसने अपने हाथ से खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आ गए हैं चाचा और चाची जी, उन्होंने भी केक खिलाया यहाँ पे प्रियांश को। उसके बाद यहाँ पर आए बाकी लोग एक एक करके खिलाने के लिए प्रियांश को केक।
फाइनली यहाँ सबने केक खिलाने के बाद यहाँ पर केक खिलाया था किचन में, उसके बाद सबको प्लेट्स मिल गई थी नमकीन बिस्किट और केक की। यहाँ पर सब लोग एंजॉय करते थे कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ सब लोग बैठे हुए थे आराम से केक एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर चाची और मामी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे केक। और ये रहे बच्चे। सो केक खाने के बाद यहाँ पर कुछ देर सब लोगों ने किया डांस। यहाँ पर है चाची और चाची, और यहाँ पे पड़ोस की मम्मी भी कर रही है डांस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी दिख रही है। और यहाँ पर आ गई है सासू माँ और प्रियांश, जो कि प्रियांश गोदी में लेके कर रही है थोड़ा सा डांस। उसके बाद यहाँ पर किचन में चले गए हैं राजा दी, मीना दी, और यह मामी जी जो कि बना रही है यहाँ पे पूरियाँ, और वो कर रही है खाने की तैयारी। यहाँ पर मामी तल रही है पूरियाँ। उसके बाद मम्मी ने सबको सर्व किया खाना। यहाँ पे कुछ लोगों ने पहले खाना खाया था, कुछ लोगों ने बाद में खाना खाया था, और जो यहाँ का पड़ोस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी भी बर्थडे या किसी प्रोग्राम में वो सबकी हेल्प करते हैं आपस में। और यहाँ पर बैठे हैं मेरे ससुर जी, मामा जी और चाचा जी जो खा रहे हैं यहाँ पे खाना। फाइनली यहाँ पर सब लोगों ने खा लिया था खाना। उसके बाद लास्ट में बची थी यहाँ पर हमारे फैमिली और अड़ोस पड़ोस की औरतें, तो उन लोगों ने एक साथ यहाँ पर खाना खाया, और मैं यहाँ पर लेट थी छोटी सी के लिए, क्योंकि साथ में खाना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे फर्स्ट में बैठी मेरी सासू माँ, उसके बगल में मामी, उसके बगल में राजा दी और मुन्नी दी और चाची, और यह मीना दी, सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने खोले यहाँ पर प्रियांश के गिफ्ट, और यहाँ पर प्रियांश बड़ा खुश था अपना गिफ्ट देखने के लिए। यहाँ पर प्रियांश के पापा ने खोला उसका फर्स्ट गिफ्ट, जिसमें थी गाड़ी, और सेकंड उसके मामा ने भेजा था उसके लिए गन, और गन देख के प्रियांश बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और यहाँ पर जिसने गिफ्ट दिया था उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही, मिलते हैं कल आपको एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।